महासमुंद में बागबाहरा के वन पट्टाधारी किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ है। किसानों ने धान खरीदी के लिए जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव किया। किसान विरोध स्वरूप फांसी का फंदा लेकर कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे। किसानों को प्रदर्शन को बीजेपी सांसद समेत कई नेताओं ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन के दौरान समझाइश देने पहुंचे एसडीएम के साथ सांसद चुन्नीलाल साहू की तीखी बहस हो गई। प्रशासन के जवाब से नाराज किसान कलेक्ट्रेट के बाहर 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर ने 7 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इनको कैंप लगा के वन अधिकार पट्टाधारियों को लोन दिया गया कृषि के लिए। आज अब इनके धान को नहीं खरीदेंगे, बोलते हैं कि पंजीयन को निरस्त कर दिए। ये 10 रुपये 12 रुपये में धान बेचेंगे। अभी रोज धरना मार रहे हैं, 50-50 किलो 60 किलो धान को बेच के आते हैं 10 रुपये 8 रुपये किलो में। ऐसी में इनका धान खत्म हो जाएगा। ये गरीब आदिवासी किसानों को जमीन क्या है तो गर्त में डाल दिए है ना। वन अधिकार पट्टा सरकार के द्वारा जो मिली है वन अधिकार पट्टा, आज 20-25 साल से वो धान कमा करके बेचते आए हैं। आखिर उसके जीवन सुधारने के लिए उनको पट्टा दी गई है, किसान बनाया गया है गरीबों को। अब उनको पंजीयन निरस्त करके क्या करना चाहते हैं? ये लगातार 10 तारीख को पिछले महीने आवेदन दिए, 17 तारीख को आवेदन दिए, 7 दिन से धरने पर हैं। तो रोज कमाने खाने गरीब आदिवासी लोग कितने दिन बैठे रहेंगे? इसलिए आज कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। क्या करेंगे? या फिर बैठा के रखे, खाना खिलाए इनको। लगातार महीने भर से किसान प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहा है, लेकिन इनके पास किसी प्रकार से समय नहीं है कि किसानों की वाजिब बात सुनी जाए, उनके आवेदन का निपटारा किया जाए। जब हम कार्यालय में जाते हैं तो ये कहते हैं आप आवेदन छोड़ दीजिए, हम निपटारा कर देंगे। आज 1 महीना हो गया हमको आवेदन दिए एसडीएम के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, लेकिन उसका निपटारा नहीं हुआ है अभी तक। प्रशासन ध्यान हमेशा देती है कि वन अधिकार पट्टाधारियों का सभी किसानों का धान खरीदा जाता है। दो स्थिति बनती है, एक तो किसान के पास निजी जमीन रहता है, अगर सॉफ्टवेयर में ये लोन नहीं दिया है कि निजी जमीन है और वन अधिकार एक साथ लेगा। वन अधिकार का सॉफ्टवेयर बाद में आता है, पहले किसानों को पंजीयन हो जाता है, तो किसान सोचते मेरा वन अधिकार की जमीन उसी में इंक्लूड।